हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की मैं क्लास में आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर वेरी शॉर्ट में कैसे आप निकाल सकते हैं, वेरी शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे, बने रहेंगे वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए K3FeCN6 में ये आपको Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे? ये पोटेशियम की क्या होती है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 1 × 3, और इसको हमको फेरस का निकालना है X। तो ये तो फेरस को हमने X माना, और CN के ऊपर क्या चार्ज होता है, CN के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर जाएगा -1 × 6 इजिकल टू। अब यह चूँकि टोटल न्यूट्रल कंपाउंड है, उदासीन कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड से ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या मानेंगे? 0। तो ये हो जाएगा 3 + x − 6 = 0। ये हो गया एक्स इजकल टू माइनस, तो क्या प्लस, ये प्लस क्या आ गया माइनस, ये एक्स बराबर क्या आ गया +3। यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या है, +3 है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकल में आपको 0 में देखते हैं, इसका क्या है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकल का हमने क्या माना, एक्स माना, ठीक है, निकल का हमने क्या माना, एक्स माना। और यहाँ पर CO क्या है, कार्बोनिल है, और CO के ऊपर से कौन सा चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। तो हो जाएगा 0 × 4 इजकल टू। अब चूंकि ये भी क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। तो एक्स प्लस 0 इजकल टू 0, तो हो गया एक्स बराबर क्या, 0। यानी कि इस तरह आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर सीखना चाहते हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए बहुत बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर का, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। बाय।